खरगोन जिले के सेगांव में प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर परिसर में सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा सांसद निधि से 5 लाख की लागत से तैयार होने वाला टीन शेड का भूमि पूजन किया गया है। वहीं मंदिर परिसर में कोई भी कमी नहीं रहे उसी को लेकर पूर्ण त्वरित की जाएगी। वहीं इस अवसर पर हीरालाल पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, संतोष राठौड़ व अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद भी रहे हैं। पहले तो मैं आज लालबाई फुलबाई माताजी के इस प्रांगण में हूं और इस प्रांगण में जो भी निर्माण हुआ है उसमें जनता के सहयोग से जो माताजी से जुड़े हुए हैं, जो धर्म प्रेमी जनता है, उन्होंने काफ़ी मात्रा में सहयोग किया और निर्माण का काम किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पूर्व सांसद भाई सम्मानी मक्खन सिंह जी ने भी यहाँ पर राशि दी है। हमारे पूर्व सांसद भाई सुभाष पटेल जी ने भी दी है। हमारे वर्तमान मंत्री विजय शाह जी ने भी सरकार के द्वारा 45 लाख रुपए की राशि से यहाँ पर भवन निर्माण किया है और मेरे भी निधि से मैंने आज टीन शेड के निर्माण का भूमि पूजन किया है। और ये बात सही है कि माँ का आशीर्वाद सब पर रहेगा तो समाज में और सब दूर खुशहाली और सुखमय जीवन रहेगा। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि समस्याएं काफ़ी है, विगत 6 महीने पहले 15 महीने तक इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और उन्होंने समस्याओं का अमंडर खड़ा करके रख दिया और कोई भी समस्याओं पर काम नहीं किया। सिर्फ ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र के अलावा ट्रांसफ़र और पैसा और ट्रांसफ़र के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया। और इसलिए कोरोना काल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और कोरोना काल अभी भी चल रहा है। लाखों और हज़ारों की संख्या में इस देश में, इस प्रदेश में मरीज भी पाए जा रहे हैं और कहीं कहीं उसके मृत्यु दर भी बढ़ते जा रही है और पूरी सरकार अभी कोरोना काल में लगी है। आपने जिस प्रकार से मूलभूत सुविधा के बारे में बताया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याओं को लेकर भी काम करती आई है। इसलिए उन्होंने पिछली 15 साल की शिवराज जी की सरकार ने छोटे से छोटे लोगों को लेकर, मजदूर से लेकर बड़े लोगों तक की योजना सरकार ने बनाई थी, परंतु विगत 15 महीने में बहुत सारी योजनाएँ कमलनाथ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। या आपने जो विषय संज्ञान में लाया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब दिसंबर में ये सरकार रनिंग ट्रेड पर जब शुरू होगी, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और अभी उपचुनाव इस महीने में होने वाला है और इस महीने के बाद में जब मजबूती सरकार खड़ी होगी तो ये छोटी मोटी जितनी चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा से होता आया है और हम ये पूरी समस्या हल करेंगे, इतना विश्वास जनता को भी है। निश्चित तौर पर आपकी जो भी डिमांड है, हम समय आने पर, परिस्थिति बनने पर जो भी हो सकता है, वो सरकार के फंड से है, किसी और मत से है, आवश्यकता लगी तो मेरी निधि भी कोरोना काल के बाद में जब आएगी तब उसमें जो भी संभव होगा उस संभव में हम मदद करेंगे। यहाँ की मूलभूत समस्या कचरा गाड़ी है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सेगांव है, बिस्टान है, ये सब नगर पालिकाएँ बनने की तादाद में हैं और यहाँ पर अगर कचरा गाड़ी की समस्या है तो कुछ यहाँ के लोगों ने भी मिलकर तय करना चाहिए और किस मत से गाड़ी मिल सकती है उस मत से हम बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं कहीं यहाँ कचरा वाहन उपलब्ध हो, इसके लिए हम पहल करेंगे। खरगोन जिले के सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट।